हेलो गाइस, व्हाट्स अप। सो हे गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। तो आज की इस वीडियो में हम काफ़ी ज़्यादा इंटरेस्टिंग एंड काफ़ी ज़्यादा ट्रेंडिंग टॉपिक के बारे में बात कर रही होंगी। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे अबाउट अपकमिंग CNG कार्स इन इंडिया इन 2022। यस गाइस, CNG कार्स काफ़ी ज़्यादा डिमांड में है आजकल। जैसा कि हम सभी देख रहे हैं, हर किसी को कंपनी फिटेड CNG कार ही चाहिए है, क्योंकि पेट्रोल के प्राइस काफ़ी ज़्यादा ऊपर जा चुके हैं एंड अब मैक्सिमम लोग CNG ही प्रेफर कर रहे हैं, जो कि अच्छी बात भी है, क्योंकि अभी इलेक्ट्रिक प्रेफर नहीं कर सकते क्योंकि रेंज उतनी ज़्यादा नहीं है। एक प्रैक्टिकल चॉइस नहीं होगी इलेक्ट्रिक कार खरीदना ऐसा प्राइमरी व्हीकल आज की डेट में। तो मैक्सिमम लोग अब CNG कंसिडर कर रहे हैं क्योंकि वो उनकी जेब पर भी उतनी भारी नहीं पड़ती है। एंड इसी के चलते अब जो हमारे बड़े बड़े ऑटोमोबाइल मेकर्स हैं हमारे इंडियन कार मार्केट में, लाइक मारुति हो गई, टाटा हो गई, काफ़ी अच्छा खासा ध्यान दे रहे हैं अब वो CNG कार्स के ऊपर। तो आज के इस वीडियो में हम सारी अपकमिंग CNG कार्स के बारे में बात करने वाले हैं एंड चलिए आज का वीडियो स्टार्ट करते हैं। नाउ गाइस, सबसे पहले बात कर लेते हैं हमारे सबसे बड़े कार मैन्युफैक्चरर के बारे में, जो कि है मारुति सुजुकी। एंड वैसे देखा जाए तो सबसे ज़्यादा कंपनी फिटेड CNG कार्स स्टिल हमें मारुति की तरफ से ही देखने को मिलती है, बट स्टिल अभी मारुति नहीं रुकने वाला है एंड काफ़ी सारे लॉन्चेस वो करने वाले हैं। लाइन से हम उनके बारे में बात कर रहे होंगे। तो गाइस, रिसेंटली मारुति ने हमें डिज़ायर में CNG का ऑप्शन दे दिया है एंड ऑलरेडी मारुति ने काफ़ी पहले इंडिकेशन दे दिए थे कि उनके अरीना में जितनी भी कार्स हैं वो सारी कार्स में हमें CNG का ऑप्शन देने वाले हैं। अब अरीना में सिर्फ दो कार्स ही बच रही हैं। सबसे पहली तो है स्विफ्ट एंड देन आती है हमारी ब्रेजा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं ब्रेजा CNG के बारे में। तो यस गाइस, इसका जो नेक्स्ट जनरेशन है उसी के साथ हमें इसमें कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड अब अगर इसके लॉन्च डेट्स के रिगार्डिंग बात की जाए तो मारुति की तरफ से अभी कोई भी कंफर्मेशन नहीं है। मारुति काफ़ी जल्दी सरप्राइजेस दे रहा है हम लोगों को, कभी भी लॉन्च कर दे रहा है। एंड देखा जाए तो ब्रेजा उनका काफ़ी मेजर लॉन्च है, तो हो सकता है फेस्टिव सीजन या मिड ऑफ 2022 में वो उसको लॉन्च करेंगे एंड उसी के साथ ब्रेजा पहली SUV हो जाएगी हमारे इंडियन कार मार्केट में एस ऑफ नाउ, जिसमें हमें कंपनी फिटेड CNG का ऑप्शन देखने को मिल रहा होगा। एंड अब जो नेक्स्ट न्यूज़ निकल कर आ रही है वो है उनकी बलेनो की तरफ से। यस गाइस, बलेनो नेक्सा से पहली ऐसी CNG कार होगी जो कि मारुति ऑफर कर रही होगी। एंड रिसेंटली उसके स्पाई शॉट्स भी हमें अवेलेबल हुए थे जहां पर इसकी टेस्टिंग चल रही थी एंड मैंने इस पर ऑलरेडी डेडिकेटेड वीडियो कर रखी है, तो आप अगर इसमें इंटरेस्टेड हैं तो देख सकते हैं। बाकी अगर इसके लॉन्च डेट्स के रिगार्डिंग बात की जाए तो नेक्स्ट 2 to 3 months में कभी भी इसका लॉन्च हो सकता है। एंड गाइस, इसी के साथ जो इसकी जुड़वा वैन है सेम टू सेम टोयोटा ग्लांजा, उसमें भी हमें काफ़ी जल्द CNG देखने को मिल जाएगा एंड वो टोयोटा की पहली कार बन जाएगी कंपनी फिटेड CNG के साथ एंड टोयोटा उसको बोलने वाला है ECNG। बाकी सब डिफरेंस तो आप सभी को पता है क्या डिफरेंस हमें देखने को मिलते हैं बलेनो एंड ग्लांजा में, बाकी दोनों में ही हमें काफ़ी जल्द CNG का ऑप्शन देखने को मिलने वाला है। नाउ गाइस, मारुति की इकलौती कार जो कि अरीना में बच रही है जिसमें हमें CNG नहीं देखने को मिल रहा है वो है स्विफ्ट। यस गाइस, टॉप सेलिंग कार्स की लिस्ट में हमेशा होती है, काफ़ी अच्छी सेल्स हो रही हैं इसकी बिना CNG के साथ भी। तो काफ़ी सारे लोग अभी सोच रहे हैं कि मारुति क्या इसमें भी हमें CNG देगी या नहीं, क्योंकि अभी रिसेंटली उन्होंने डिज़ायर में दिया है, इसमें नहीं दिया है। ऑल दो सेम ही कार्स हैं, मारुति को देने में कोई भी दिक्कत नहीं होगी। बाकी अगर देखा जाए पर्सनली मुझे लगता है कि मारुति इसमें भी हमें CNG का ऑप्शन बहुत ही जल्द दे देगी एंड इसका लॉन्च भी नेक्स्ट 2 to 3 months में कभी भी हो सकता है। एंड नाउ गाइस, अब बात कर लेते हैं हमारे थर्ड मैन्युफैक्चरर या सेकंड भी बोल सकते हैं, क्योंकि ह्यूंडई एंड टाटा के बीच में काफ़ी अच्छा खासा कॉम्पिटिशन चल रहा है सेकेंड थर्ड पोजिशन के रिगार्डिंग। तो टाटा के बारे में बात कर लेते हैं। टाटा भी काफ़ी अच्छा खासा फोकस कर रहा है हमारे CNG के ऊपर एंड जब से उन्होंने टियागो एंड टेगोर CNG लॉन्च की है, अब लोगों का नेक्स्ट क्वेश्चन यही है कि अगली टाटा की CNG कार कौन सी होगी। तो बात कर लेते हैं, तो पर्सनल स्पीकिंग मुझे ये लगता है कि सबसे पहली जो उनकी अब जो नेक्स्ट CNG कार होने वाली है वो होने वाली है टाटा अल्ट्रोस, क्योंकि बलेनो में भी अब हमें CNG का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा एंड इसी के चलते प्रीमियम हैचबैक्स में भी अब CNG मिल रहा है एंड ऑलरेडी टाटा की अल्ट्रोस की जो सेल्स हैं वो काफ़ी ज़्यादा सफ़र कर रही हैं। तो अगर इसमें CNG दे देते हैं तो काफ़ी बढ़िया चीज़ होगी एंड इसकी सेल्स पर भी काफ़ी अच्छा खासा इम्पैक्ट पड़ेगा। एंड वैसे मैंने ऑलरेडी इस पर एक डेडिकेटेड वीडियो कर रखी है अगर आप इसमें इंटरेस्टेड हैं। तो अब बात कर लेते हैं नेक्स्ट टाटा की कार के बारे में, जो कि होने वाली है टाटा नेक्सन CNG। यस गाइस, नेक्सन के ऊपर भी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स है मार्केट में कि इसमें भी CNG आ जाएगा, तो पर्सनली मुझे भी लगता है आ ही जाएगा क्योंकि ब्रेजा में भी अब CNG आ रहा है। तो जैसा कि आप देख रहे हैं कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट में भी CNG आ चुका है, तो इसी के चलते अगर टाटा को भी रेस में रहना है तो फिर उन्हें नेक्सन में भी CNG देना होगा, क्योंकि नेक्सन अभी उनकी टॉप सेलिंग कार है एंड जैसे ही ब्रेजा में CNG आएगा काफ़ी सारे जो लोग हैं मेजोरिटी ऑफ लोग वो उस साइड शिफ्ट हो जाएंगे। तो अगर इसके लिए काउंटर करना है टाटा को तो टाटा को इसमें भी हमें CNG दे देना चाहिए। वैसे इसके भी स्पाई शॉट्स हमें अवेलेबल हुए थे, टाटा इसके साथ भी टेस्टिंग कर रहा है। नाउ लेट्स सी टाटा कब इसका लॉन्च करता है। गाइस, अब टाटा पंच के रिगार्डिंग भी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स हैं कि टाटा पंच में भी हमें CNG देखने को मिल जाएगा। पर्सनली स्पीकिंग मिल सकता है, बट इस ईयर तो आई डोंट थिंक सो कि इसमें हमें CNG का ऑप्शन देखने को मिलेगा। हाँ, बट इस ईयर में ये काफ़ी ज़्यादा पॉसिबिलिटी है कि इसमें जो टर्बो पेट्रोल इंजन है एंड डीजल इंजन है वो इंट्रोड्यूस कर दे टाटा। एंड मैंने ऑलरेडी एक वीडियो की है जिसमें मैंने बताया है प्रॉपर रीजंस देके कि क्यों इसमें अभी हमें CNG का ऑप्शन नहीं देखने को मिल सकता है।
आप वो वीडियो चेकआउट कर सकते हैं। नाउ गाइस, ये तो थी वो सारी कार्स जिनमें आपको सीएनजी देखने को मिल ही जाएगा, मैंने अभी तक जो डिस्कस की। अब कुछ ऐसी भी कार्स हैं जिन पर पर्सनली मुझे अभी कॉन्फिडेंस नहीं है, हाँ, बट मार्केट में रूमर्स काफ़ी ज़्यादा हैं, वैसे ऑफिशियली न्यूज़ वगैरह कुछ भी नहीं मिला है। सबसे पहली तो है होंडा अमेज। यस गाइस, इसकी भी अभी टेस्टिंग करते हुए कुछ जो पिक वायरल हो रही थी वो इसके डीजल इंजन की थी। सबसे पहले मैं ये बता दूं, अभी तक इसकी सीएनजी की जो टेस्टिंग है आई डोंट थिंक सो कि चालू हो रखी है। बाकी अगर होंडा अमेज में सीएनजी दे देता है काफ़ी सही होगा, क्योंकि सेगमेंट में ऑलरेडी सारी कार्स ले चुकी हैं, लाइक ऑरा हो गई एंड डिज़ायर में भी आ गया है, टैगोर में भी आ गया है, तो ये अकेली बच रही है। तो अगर होंडा इसमें दे देता है तो काफ़ी अच्छी स्ट्रेटजी होगी। बाकी अभी कोई भी कन्फर्म्ड न्यूज़ नहीं है कि होंडा में हमें होंडा अमेज में सीएनजी का ऑप्शन देखने को मिलेगा। एंड ह्यूंडई वेन्यू की भी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स हैं कि उसमें भी हमें सीएनजी देखने को मिलेगा। जी नहीं, बिल्कुल अभी तक कोई भी इतना सा भी स्टेटमेंट हमें ह्यूंडई की तरफ से अटेस्टिंग होते हुए नहीं देखी गई। बाकी उसका फेसलिफ्ट जो है वो काफ़ी जल्द ही लॉन्च होने वाला है हमारे इंडियन कार मार्केट में। बाकी अगर ह्यूंडई सरप्राइज करना चाहे तो कर सकता है, हो सकता है कि वो उसमें भी सीएनजी दे दें। बाकी अभी भी कोई भी न्यूज़ नहीं है। तो ये तो थी गाइस जो दो कार बच रही थी जिनके बारे में भी काफ़ी ज़्यादा र्यूमर्स फैल रखी हैं मार्केट में। अभी मैं बताऊं तो पर्सनली स्पीकिंग मुझे नहीं लगता होंडा अमेज में काफ़ी ज़्यादा चांसेस हैं कि मिल जाए, बट वेन्यू में तो पर्सनली नहीं लगता कि हमें सीएनजी देखने को मिलेगा। तो गाइस, अगर आपके लिए वीडियो पसंद आई है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए एंड प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।